Audio Jungle. नमस्कार, BCN News की वुमेन्स डे स्पेशल इस खास रिपोर्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं नारी नारायणी होती है, अगर वो सीता है तो वो काली भी है, अगर वो घर में चूल्हा चौका संभाल सकती है तो वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर भी आसानी से संभाल सकती है। इसी चीज़ को यथार्थ में साबित किया अनामिका रोकड़े जी ने, जो रोकड़े ज्वेलर्स को संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम। अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहती हूँ। हेलो नागपुरकर, मैं अनामिका राजेश रोकड़े, रोकड़े ज्वेलर्स से। सबसे पहले तो 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अनामिका जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन तक का सफ़र आपका कैसा था? सफ़र तो बहुत अच्छा है, यहाँ तक के आने का सफ़र बोलो तो बहुत 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 अच्छा था। ये सब कारण, अच्छा होने का जो कारण है वो फैमिली का सपोर्ट। मेन ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। सबसे पहले तो जब मैं रोकड़े से जुड़ी, मेरी शादी हुई, आज 24 ईयर हो गया है मुझे शादी को, यहाँ तक आने का सफ़र में जैसे मेरे पापा हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, मेरे मदर इन लॉ हैं, वो सारे लोगों का सपोर्ट मुझे यहाँ तक लेके आया है कि मैं कुछ कर पाई हूँ। जैसे आपने कहा कि आपकी जितना भी सक्सेस आपने पाया है वो कहीं ना कहीं आपके जो ससुराल वाले हैं उनकी हेल्प से का है, और बहुत बार लोग कहते हैं कि ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, एक बार लड़की की शादी हो गई और अगर वो आगे बढ़ना चाहते तो बहुत बार ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, तो इन सारी चीज़ों में कैसे आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं मेरे फादर इन लॉ को थैंक्स बोलना चाहूँगी, उनके सपोर्ट से ही। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मेरे मम्मी के यहाँ जैसे सब गवर्नमेंट जॉब वाले थे, बिजनेस लाइफ थी ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब शादी होके मैं यहाँ आई, रोकड़े से जुड़ी, तो वो धीरे धीरे बाबा हमारे, पापा बोलो और हस्बैंड, दोनों फर्स्ट हम लोगों की शॉप है इतवारी में, वहाँ ये दोनों जाते थे। उसके बाद 2000 में महल की शॉप जैसे ओपन हुई हमारी, सेकंड शॉप बोलो, तो वहाँ तक आने के लिए कैसे इन लोग निकल जाते थे शॉप के लिए, तो फिर घर में रहने के बाद, किचन से निपटने के बाद ऐसा लगता था कि अब करें क्या, मेरे पास बहुत टाइम बचता था और वो टाइम को कैसे मैं यूज़ करूं। मुझे टीवी देखने का शौक़ नहीं, मूवी देखने का शौक़ नहीं था, इन सब सारी चीज़ों के लिए ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं टाइम दिया जाए, उसको यूज़ किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे शॉप में जाके, फर्स्ट फ्लोर का हम लोगों का एक ही फ्लोर था नीचे में, तब वहाँ हमारे पापा बैठते थे और साइड में मेरे हस्बैंड भी बैठते थे, उन दोनों के साथ थोड़ा सा कभी 5 मिनट टाइम दे दिया, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, तो वो धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट गोल्ड के लिए, इवन सिल्वर के लिए धीरे धीरे बढ़ता गया। वो सारी चीज़ें जैसे गोल्ड, पुराना जो सोना आता है उसको कैसे देख के अपन किस परसेंट पे लेना चाहिए, और सिल्वर को कैसे देख के कैसे लेना है और सेल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की मुझे मेरे फादर इन लॉ ने पूरे एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बताते गए, उस पे मैं अमल करती गई, सीखती गई उसको धीरे धीरे, तो फिर वो सारा इंटरेस्ट बढ़ता गया मेरा और मैं यहाँ तक आ पाई। और बोलो तो घर पे भी मम्मी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस बनाना, एक फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली के साथ मिलके काम करना और फिर ऑफिस में आके काम करना, ये दोनों अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अगर फैमिली का सपोर्ट है तो आप यहाँ तक आ सकती हैं, और बिजनेस में भी आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए भी फैमिली का सपोर्ट लगता है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत मायने रखती हैं, और एक महिला को इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए बहुत बहुत योगदान, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत समय निकालना पड़ता है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ही नहीं कर रही हूँ, सारी महिलाओं को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास बहुत टाइम है, बहुत चीज़ कर सकती हैं आप, क्या नहीं कर सकती, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और सब सीखना पड़ता है।
तो मतलब आपकी जो बिजनेस वुमेन बनने का सफ़र था उसमें आपके फादर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आपके फैमिली का सपोर्ट रहा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों के साथ आपने फैमिली के साथ कैसे बैलेंस बनाया, लाइक घर के भी काम करने होते, ऑफिस में आने के बाद ऑफिस के भी काम करने होते, तो आपने ये सारी चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाया? बैलेंस बोलो तो फैमिली का सपोर्ट रहता है। सबसे पहले मेरी मम्मी जी जो हैं, उन्होंने बोला कि नहीं आप ये करिए, आप कर सकते हो, तभी मैं उस चीज़ को ऑफिस में आने के बाद उसको डेवलप कर पाई। जब अगर मम्मी का सपोर्ट नहीं रहता मेरा तो मैं यहाँ निकल ही नहीं पाती ना। उन्होंने बोला कि नहीं आप सीखिए, उन्होंने पूरा सिखाया मुझे। और हमारे बाबा जो हैं, उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया ऑफिस में आने के बाद। जैसे फैमिली में मम्मी का मेन रोल हो गया और ऑफिस में बाबा का रोल हो गया, और हस्बैंड का तो और देवर का तो पूरा सपोर्ट है। अभी मतलब अभी की कंडीशन पे बता रही हूँ मैं कि हमारे, मैं जितना इनसे नहीं, इनसे बोलने में डरती हूँ, उतना मैं सारंग भैया से बिल्कुल फ्री बिंदोक होके बोल सकती हूँ। मुझे जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारंग भैया सॉर्ट आउट कर देते हैं। अनामिका जी, बिजनेस वुमन जो भी होती है, जो बिजनेस की लाइन में जाता है, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को आगे बढ़ता देखना चाहता है। तो अगले कुछ सालों में आप रोकड़े ज्वेलर्स को कहाँ देखना चाहते हैं, कितनी ब्रांचेस आपके एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले तो मैं नागपुरकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर उनका सपोर्ट यहाँ नहीं मिलता तो हम आगे फर्स्ट शोरूम से लेकर के फोर्थ शोरूम तक के नहीं आए होते। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि नागपुरकर, थैंक यू सो मच नागपुरकर, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो धन्यवाद नागपुरकर। आपके रोकड़े ज्वेलर्स की चार शाखाएं हैं नागपुर में, और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि आपके शॉप्स में जितने भी है वहाँ पे वुमेन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसके पीछे का मैं रीज़न जानना चाहती हूँ। इसके पीछे का रीज़न एक ये है कि महिलाएं, लेडीज़ बोलो तो बहुत कुछ कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। इसलिए मोस्टली मेरा स्टाफ यहाँ पर लेडीज़ों का 80% है, कि जिस तरीके से वो हैंडल करती हैं, वो अपना घर फैमिली छोड़ के यहाँ आती हैं, यहाँ आने के बाद उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये रोकड़े भी मेरी फैमिली है। इसलिए सारी लेडीज़ों का 80% लेडीज़ों का स्टाफ मेरा लेडीज़ का है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपना रोकड़े को अपना एक फैमिली मेम्बर की तरह मान के चलती हैं। आपके बिजनेस की बात हो गई, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ज्वेलरी का आपका शॉप है और महिलाओं को कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है ज्वेलरी से सबसे ज़्यादा, तो आप एज अ लेडी क्या खरीदना पसंद करती है, किस टाइप की ज्वेलरी पसंद करती है? मैं तो डायमंड पे जाना चाहूँगी, क्योंकि डायमंड की ज्वेलरी मोस्टली बहुत ही डेलिकेटेड होती हैं। गोल्ड में भी होता है, प्लैटिनियम में भी होता है और सिल्वर में भी होता है, नो डाउट इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन कैसे डायमंड की ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत नेकलेस है, फिंगर रिंग है, मंगलसूत्र हम लोगों में तो बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो भी हम लोग डायमंड का ही प्रेफर करते हैं। डेली में मुझे बहुत अच्छा लगता है, डायमंड ज्वेलरी पर जाना चाहूँगी मैं। आप बिजनेस भी संभालती है, पर इसके साथ साथ आपको और क्या क्या चीज़ें पसंद है, मतलब क्या करना अच्छा लगता है, जब छुट्टी हो तब आप क्या करना सबसे ज़्यादा स्पेशली पसंद करती है? घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो ये सारी चीज़ें जब साइड में हो जाती है, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है घूमने का, तो हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं और इंडिया में भी बहुत हम लोग घूमे हैं, तो घूमना बहुत अच्छा लगता है। ओके, वुमेंस डे है आज, और आज के इस दिन आप सारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? मैं तो सारी महिलाओं को यही बोलूँगी कि आप घर से बाहर निकलिए, बाहर भी एक दुनिया है। यूँ नहीं कि आप किचन में हैं तो किचन में ही कुछ करें, किचन में भी एक नया बिजनेस डेवलप कर सकती हैं। हर क्षेत्र में लेडीज़ अपने अपने जगह पे अपना अपना काम कर रही हैं, जेंट्स लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसा ये नहीं है कि आप केवल किचन में ही सीमित रहें या फिर अपनी फैमिली में ही सीमित हो जाएं, आप बाहर निकल के भी कुछ ना कुछ करिए। हर एक लेडी में एक गुण होता है जो वो आप अच्छे से दिखा सकती हैं उसको। थैंक यू सो मच, आपके साथ ये जो कन्वर्सेशन था अनामिका दी, बहुत अच्छा था, और आपसे बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली हमको, साथ ही पता चला कि लाइफ में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, धन्यवाद।
Audio Jungle.